केशव चंद्र सेन अपने समय के सबसे इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थे। उन्होंने कई इंटेलेक्चुअल्स को लॉजिक से डिबेट में हराया था और उन्होंने देखा कि ये अनपढ़ रामकृष्ण परमहंस, जिसने प्राइमरी स्कूलिंग भी पास नहीं किया है, उसके पास हजारों लोग जा रहे हैं। ये बात उन्हें रास नहीं आई और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो वही करेंगे जिसमें वे माहिर हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिबेट करेंगे और डिबेट में रामकृष्ण परमहंस को पराजित करेंगे। ये बात सुनते ही रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर सकते में आ गए, घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय केशव चंद्र सेन के टक्कर का कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के एक नए एपिसोड में मैं मुक्तेश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। ये है सबसे फेमस मिस्टिक में से एक, रामकृष्ण परमहंस, और उस समय के सबसे फेमस पर्सनालिटी में से एक, सबसे इंटेलिजेंट पर्सनालिटी में से एक, केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन के बारे में आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। वो यूनिवर्सल रिलीजन स्थापित करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक ही रिलीजन हो, एक ऐसा रिलीजन हो जिसको पूरी दुनिया के लोग फॉलो कर सकें, और इसी के चलते वो बहुत सारे धर्म ग्रंथों का पढ़ाई करते थे। साथ ही साथ भारत में कुछ कुप्रथाएं जो चली आ रही थी वो उसका भी विरोध करते थे, जैसे कि बाल विवाह, जाति प्रथा या पॉलीगैमी, और इन सब का विरोध करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग लॉजिक चाहिए थे, कुछ तर्क चाहिए थे। तो उनके पास बहुत ही लाजवाब तर्क होते थे जिसका कोई भी तोड़ नहीं होता था, कोई उनके तर्क का विरोध नहीं कर पाते थे। और ऐसा करते करते वो फेमस होते गए और लोगों के चहेते बन गए। मात्र अपने इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी के बेसिस पे ही उन्होंने खुद का एक रिलीजन फॉर्म कर लिया था। उस रिलीजन में बहुत सारे फॉलोअर्स जुड़े हुए थे जो हजारों की संख्या में थे, और वो सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान थे, बिल्कुल केशव चंद्र सेन की तरह। रामकृष्ण परमहंस हालांकि आज के समय पे अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद की वजह से ज़्यादा फेमस है, पर उस समय भी उनकी लोकप्रियता कोई कम नहीं थी। बहुत से लोग उनको जानते थे, सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग उनसे मिलने आया करते थे। वो बेसिकली, उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया था, वो अनपढ़ थे, लेकिन वो परमहंस थे। केशव चंद्र सेन ने उनके शिष्य से कहा कि मैं फलाना दिन आपके यहाँ आ रहा हूँ रामकृष्ण परमहंस से बहस करने के लिए। मैं आपकी सभी मान्यताओं को तोड़ दूंगा और चैलेंज करूँगा। रामकृष्ण परमहंस के सभी शिष्य घबरा गए, क्योंकि वे सभी जानते थे कि केशव चंद्र सेन बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं और रामकृष्ण परमहंस उतने अच्छा वक्ता नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खुशी का दिन होगा, मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब केशव चंद्र सेन आएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो दुखी का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि वो आपसे बहस करने के लिए आ रहे हैं और आप उनसे बहस नहीं कर सकते। रामकृष्ण ने कहा, बहस? उनसे कौन बहस करने वाला है, मुझे उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आने दो। पर अभी भी उनके शिष्य घबराए हुए थे, वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें उनके गुरु को हार का सामना करना पड़ेगा, वो बहुत ही बुरी तरह हार जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे केशव चंद्र सेन उस शताब्दी के सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हैं और उनके टक्कर का कोई नहीं है। केशव चंद्र सेन आए अपने सबसे बेहतरीन 100 चेलों के साथ। वो सभी चेले बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बिल्कुल केशव चंद्र सेन की तरह। वो उनको दिखाना चाहते थे कि चलो देखो कि मैं कैसे लोगों को चैलेंज करके उनको हराता हूँ। रामकृष्ण सड़क पे केशव का इंतजार कर रहे थे उनका स्वागत करने के लिए, अपने घर मंदिर से कहीं दूर, जहाँ पर वो रहते थे उससे कहीं दूर। जैसे ही केशव आए, उन्होंने उनको गले से लगा लिया। केशव बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगे और ये शर्मिंदगी समय के साथ बढ़ती गई। उन्होंने केशव का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्होंने कहा, चलिए। वो अंदर लेकर गए। उन्होंने उनसे कहा, इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम अब क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए। केशव चंद्र सेन को बड़ा ही विचित्र महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा,
आपको पता है मैं यहाँ पर आपसे बहस करने के लिए आया हूँ। रामकृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल। वे मंदिर के पास गंगा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। रामकृष्ण ने कहा, शुरू करो। केशव ने पूछा, भगवान के बारे में आपका क्या कहना है? रामकृष्ण ने कहा, भगवान के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? क्या तुम मेरी आंखों में भगवान को देख नहीं सकते? केशव ने कहा, ये कैसा तर्क है? केशव बहुत ही उलझन में नजर आ रहे थे। रामकृष्ण ने कहा, क्या तुम मेरे हाथों में भगवान को महसूस नहीं कर सकते? और पास आओ नौजवान। केशव ने कहा, ये कैसा तर्क है? केशव कई डिबेट्स में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कई बुद्धिजीवियों को डिबेट्स में हराया है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की महारानी भी उनको सुन चुकी थी। और ये गंवार, वैसे तो गंवार का शाब्दिक अर्थ गांव से होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में गंवार का मतलब इडियट होता है, बुद्धू होता है, जो कुछ नहीं जानता है, सब बेवकूफ़ होता है। रामकृष्ण ने कहा, अगर तुम मेरी आंखों की भाषा समझ सकते हो, अगर तुम मेरे हाथों की ऊर्जाओं को समझ सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तो तुम ही प्रमाण हो कि ये अस्तित्व में इंटेलिजेंस है। वे एक बहुत ही बड़ा तर्क दे रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास एक बेहतरीन बुद्धि है, तो वह इस अस्तित्व की ही देन है। मुझे पता है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो और मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है, तो तुम्हारे पास ये बुद्धि आखिर आया कहाँ से? अगर इस अस्तित्व में, अगर इस ब्रह्मांड में बुद्धि नहीं है, तो तुम्हारे पास वो बुद्धि आया कहाँ से? इस ब्रह्मांड की प्रकृति बुद्धिमान है, इस ब्रह्मांड की प्रकृति इंटेलिजेंस है। ये ब्रह्मांड बुद्धिहीन नहीं है, ये ब्रह्मांड पूरा बुद्धि से भरा हुआ है। यह ब्रह्मांड हमारी खुशियों में खुशियाँ मनाता है, यह हमारे उत्सव में उत्सव मनाता है, और यह हमारे डांस के साथ डांस भी करता है। क्या तुमने मेरा डांस देखा है? और वो नाचने लगे, और केशव चंद्र सेन बस उनको देखते ही रह गए। पर रामकृष्ण परमहंस नाचते ही रहे, क्योंकि वो नाचने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। वो कभी कभार सवेरे से शाम तक के नाचते थे। वो तब तक के नाचते थे जब तक कि नाचते नाचते थक के वो गिर ना जाए। तो वो अभी भी नाचने लगे पूरे आनंद और कृपा के साथ, और केशव बस उनको निहारते रहे। और अचानक ही केशव रूपांतरित हो गए। वो अपने सारे तर्क भूल गए, वो अपने सारे इंटेलेक्ट, लॉजिक, बुद्धिमत्ता को त्याग दिए। वो रामकृष्ण की खूबसूरती को निहारने लगे। उन्होंने उनकी भव्यता को देखा, उन्होंने देखा कि वो कितने आनंद में नाच रहे हैं। उन्होंने उस आनंद को देखा जिसको वो कभी महसूस नहीं कर पाए थे। उनका तर्क, उनका बुद्धि सभी सतह पे लगने लगा। अंदर से वे बिल्कुल खाली थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस आनंद से छलक रहे थे। उनका आनंद छलक रहा था, और इसी समय केशव चंद्र सेन उनकी चरणों पे गिर पड़े और उन्होंने कहा कि कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कितना गलत सोचता था। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको उठाया और उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त में तुम्हें माफ़ करूँगा। केशव चंद्र सेन ने कहा, आप जो भी शर्त कहें, वो सारी शर्तें मंजूर हैं, आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वो शर्त ये है कि तुम आए दिन मेरे पास मिलने आया करना और मुझसे ऐसे ही बहस करते रहना, ताकि मैं इस बहस का आनंद ले सकूं। ये है एक महापुरुष का तरीका, जो एक आम इंसान के समझ से परे होता है, जिसने केशव चंद्र सेन को खत्म कर दिया और वे एक अलग ही इंसान बन गए। उनके शिष्य धीरे धीरे उनसे दूर हो गए और वे पागल हो गए। एक पागल व्यक्ति ने उनको इतना प्रभावित किया। पहले सिर्फ एक ही पागल थे, अब दो पागल व्यक्ति हैं, और वे रामकृष्ण परमहंस के साथ नाचते भी थे। पर केशव चंद्र सेन, जो हमेशा दुखी रहते थे, जो हमेशा नकारात्मक नज़रिया रखते थे, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहते थे, जो हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रहते थे, वो अचानक से खिल उठे, बिल्कुल एक फूल की तरह, एक नए खुशबू के साथ। वे अपने सारे तर्क भूल गए। रामकृष्ण परमहंस ने उनको वो दिखाया जो उनकी बुद्धि के परे था। मुझे पता है
कि ये कहानी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। और आप लोग भी रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए खास कुछ बुक सजेस्ट करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाकर उन बुक्स को ज़रूर देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो उन्हें खरीद कर उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे आपको रामकृष्ण परमहंस जैसे चमत्कारी व्यक्ति के बहुत सारे अनोखी कहानी आपको जानने को मिलेगी, उनके जीवन का परिचय भी मिलेगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसमें कमेंट करें कि आप अगला कहानी और किन के बारे में सुनना चाहते हैं। आपके पास अगर कुछ सुझाव हमें देने के लिए तो कृपया वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।